लाइन पर। जेब पर बोझ घरेलू गैस सिलेंडर हुआ 42 रुपए महंगा। भोपाल में पिता ने फीस नहीं भर पाए तो छात्रा को खड़े होकर पेपर देने की सजा। राहुल गांधी ने मुंबई में झुग्गी झोपड़ियों वासियों को 500 वर्ग फुट के मकान देने का किया वादा। अब खबरें विस्तार से। जेब पर बोझ घरेलू गैस सिलेंडर हुआ 42 रुपए महंगा। होली के माह में घरेलू रसोई गैस भी इस बार जेब में भारी बदलाव लाया है। 3 माह में लगातार गिर रहे घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में इस माह 42.50 रुपए का इजाफा हुआ है, यानी 700 के नीचे गया। घरेलू सिलेंडर का बाजार भाव चढ़कर 735.50 रुपए हो गया है। यही नहीं, कॉमर्शियल सिलेंडर पर 67.50 रुपए महंगा होने के बाद कारोबारियों को यह अब 1308.50 रुपए का पड़ेगा। वही बढ़ती हुई दरों में शुक्रवार से लागू हो गई है। मध्य प्रदेश में पिता फीस नहीं भर पाया तो स्कूल ने छात्रा को खड़े होकर पेपर देने की दी सजा। शिकायत के बाद सीएम कमलनाथ ने जांच के आदेश दिए। टीईओ ने बयान दर्ज किए। जिला शिक्षा अधिकारी की जांच में स्कूल प्रबंधन की गलती पाई गई तो रद्द हो सकती है मान्यता। 9वीं की छात्र स्कूल को फीस नहीं भर पाई तो उसे 2 दिन तक खड़े रहने में परीक्षा देने की सजा दी गई। ये अमानवीय घटना राजधानी भोपाल के सरस्वती गोयल हायर सेकेंडरी स्कूल की है। राहुल गांधी ने मुंबई में झुग्गी झोपड़ियों वासियों को 500 वर्ग फुट के मकान देने का किया वादा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के बाद सत्ता में आने पर 10 दिनों के अंदर मुंबई में झुग्गी झोपड़ियों वासियों को 500 वर्ग फुट के मकान देने की यह शुक्रवार को घोषणा की है। राहुल गांधी ने यहां एमएमआरडीए मैदान में एक रैली को संबोधित करते हुए यह कहा कि शहर में फिलहाल स्लम पूर्ण विकास परियोजनाओं के तहत 269 वर्ग फुट के मकान मुहैया किए जाते हैं। राहुल गांधी ने 500 वर्ग फुट के मकान देने का वादा करते हुए कहा है, मैं कह रहा हूँ कि 10 दिनों में, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि यह 2 दिन में ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 स्मार्ट शहर विकसित करने की बात करते हैं, लेकिन मुंबई पहले से एक स्मार्ट सिटी है और इसकी मजबूती और संभावना को मान्यता देने की जरूरत है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।